हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आई हूँ आज आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। और प्रोडक्ट का रिव्यू देने से पहले आपको बोलूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है namitadobrial8। तो आप चाहे तो उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं आपके साथ रिव्यू लेकर आई हूँ वो है फेयर एंड लवली का फेस वॉश, जो कि अभी न्यू आया है। ये फेयर एंड लवली फेस वॉश इंस्टा ग्लो फेस वॉश है। और इसका रिव्यू देने से पहले आप पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद ही मैं जो है अपना रिव्यू स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि आपको कोई डाउट ना रहे, इसीलिए पहले मैंने आपको ये फेस वॉश लगा के दिखाया पूरा की पूरा डेमो करके दिखाया, ताकि कोई भी डाउट हो आपके मन में इसको लेकर तो वो क्लियर हो जाए। और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मैं रिव्यू करती हूँ इसका। तो ये जो फेयर एंड लवली का फेस वॉश है, इंस्टा ग्लो फेस वॉश है ये। और ये जो है सभी स्किन टाइप के लिए है, चाहे ऑयली हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो। मेरी ड्राई स्किन है तो भी मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल वैसे तो ड्राई स्किन है, लेकिन गर्मियां जब आती है तो स्किन से काफी जो है ऑयल निकलता है। तो उस वजह से ये जो है मैं इसको यूज किया पहले थोड़े दिन, और उसके बाद ही आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, और जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यूज करके देख सकते हैं। बेस्ट फेस वॉश मैं इसको बोलूंगी अब तक का, और मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया। और जो इसकी MRP है वो 63 रुपीज है, और ये 50 ग्राम का पैक है। और पैकेजिंग तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फेयर एंड लवली का जो क्रीम होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मुझे मेरी पर्सनली फेवरेट है, आप लोगों का पता नहीं, बट मैं क्योंकि उसको यूज करती हूँ तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी पर्सनली फेवरेट क्रीम है वो। और ये जो फेस वॉश है, अब ये भी मेरा पर्सनली फेवरेट है। पहले मैं फेयर एंड लवली का दूसरा वाला फेस वॉश यूज करती थी, और उसके भी बाद मैंने कुछ फेस वॉश थे जो चेंज करके देखे, बट मेरे को नहीं कुछ कोई भी पसंद आया। और उसके बाद जो ये अब न्यू फेस वॉश आया है फेयर एंड लवली का इंस्टा ग्लो, तो ये मैंने यूज किया, और ये सच में बहुत 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 ही ऑसम प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली का। और आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अभी भी मेरे फेस पे कुछ मेकअप नहीं है, एक जो है ये लिप बाम लगाया हुआ है, और सिर्फ बिंदी है। और फेस वॉश से फेस क्लीन करने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात करने आई हूँ, आपको रिव्यू देने आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपने आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये फेस वॉश कैसा लगा। ज्यादा तो इसके बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया है। तो ये अब तक का मेरा बेस्ट जो है प्रोडक्ट है, फेस वॉश बेस्ट फेस वॉश है मेरा। उससे पहले मैंने एक रिव्यू दिया था एक फेस वॉश का, पतंजलि का, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार फेस वॉश था। उसके बाद ही मैं ये वाला लेकर आई, और मैंने इसे यूज किया, ये काफी खत्म भी हो गया, आप देख सकते हो, बस ये इतना ही बचा है। तो इसीलिए मैंने इसका रिव्यू आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आती रहूंगी आप लोगों के साथ, कभी प्रोडक्ट के रिव्यू लेकर और कभी अपने ब्लॉग्स लेकर। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट प्रोडक्ट के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।